अस्सलाम वालेकुम। मेरा इस्लाम का इंट्रोडक्शन, या मैं फिर ये कहूँगा कि इस्लाम का सही इंट्रोडक्शन, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताबों, लेक्चर्स और उनसे इंटरेक्शन करके हुआ। मैं ये समझता हूँ कि वो ना सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए बल्कि वो पूरी इंसानियत के लिए एक गाइडेंस का प्रतीक है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ, एक ऐसी गलती को लेकर जिसको अगर हम सही ना करें तो वो एक बहुत ही बड़ी गलती होगी और जिसकी खुदा के यहाँ पकड़ होगी। मैंने अक्सर ये ऑब्जर्व किया है कि लोग एक दूसरे से फायदा तो उठाते हैं मगर उनका एतराफ यानी एक्नॉलेजमेंट नहीं करते। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा। एक बार मेरा सफर मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के साथ साइप्रस की तरफ हुआ। साइप्रस में मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को एक इंटरफेथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना था। एयरपोर्ट पे जब हम लोग वेट कर रहे थे तो एक शख्स मौलाना की तरफ आया। उसने मौलाना को सलाम किया और फिर उनसे बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान उसने कहा कि मौलाना साहब, मैं आपकी किताबों को अपनी तकरीरों में इस्तेमाल करता हूँ और लोग मेरी तकरीरों को बहुत पसंद करते हैं, पर मैं आपका नाम नहीं लेता। फिर उसने ये रीजन देते हुए कहा कि असल चीज तो बात का पहुंचना है, ना कि नाम का। मैंने देखा कि जहां मैं शॉक था वहां मौलाना साहब बहुत ही नॉर्मल थे, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छे से उस इंसान के साथ बात करी। मैंने सोचा कि वो इंसान जो दूसरों की वाह वाही ले रहा है बिना मौलाना के एतराफ के, और अक्सर मैंने ये बाज़ उलमा को करते हुए देखा है कि वो मौलाना को पढ़कर, उनकी बातें सुनकर, अपनी बातें बताकर आगे कर देते हैं बिना मौलाना का नाम लेकर या उनका रेफरेंस देकर। ये एतराफ़ की कमी का मामला है और ये सादा बात नहीं। इस एक्सपीरियंस से मुझे वो वाक्य याद आया जब खुदा ने आदम को बनाया और फिर जिनों और फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि वो आदम के आगे सजदा करें। फरिश्ते खुदा का हुक्म सुनते ही सजदे में गिर पड़े, मगर इबलीस, जो जिनों का सरदार था, उसने सजदा नहीं किया। खुदा ने इबलीस से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया जबकि मैंने इसका हुक्म दिया था। इबलीस ने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूं, तूने आदम को मिट्टी से बनाया है और मुझको आग से। यही कॉन्फ्लिक्ट आज भी आदम की औलाद में जारी है। एक तरफ फरिश्ते हैं जो इंसान को तस्लीम और एतराफ का सबक दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इबलीस है जो इंसान की रगों में तैरता है और उसको अक्सर उकसाता है कि वो अपने को बड़ा समझे और उसके तरीके को अपनाए। इस तरह दोबारा हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़े पैमाने पर वही गलती दोहराई जा रही है जो आदम के पैदाइश के वक्त पेश आई थी। खुदा को सजदा करने के लिए हर इंसान आसानी से तैयार हो जाता है, मगर जब उसको किसी इंसान का एतराफ करना हो या उसके आगे मॉडेस्टी इख्तियार करने का मामला हो तो फौरन उसके अंदर इबलीस वाली ईगो जाग उठती है। मैं उससे बेहतर हूं, मेरा दर्जा उससे बड़ा है, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, मैं क्यों उसके सामने झुकूं? ये एहसास कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसके लिए रुकावट बन जाता है। एक इंसान को दूसरे इंसान के मुकाबले में हक और इंसाफ का रवैया अख्तियार करना चाहिए। जब कोई इंसान हक के बिना पर किसी दूसरे इंसान के आगे झुकता है तो हकीकतन वो उस आदमी के आगे नहीं झुकता बल्कि खुदा के आगे झुकता है, क्योंकि वो खुदा के हुक्म की तामील में उस इंसान के आगे झुक रहा है, ना कि उस इंसान के जाती फजल के बिना पर। तो जो इंसान फरिश्ते के तरीके को अपनाएंगे वो खुदा के वफादार बंदे कहलाएंगे, और जो इंसान इबलीस के तरीके को अपनाएंगे और अपनी बड़ाई के खातिर किसी दूसरे इंसान का एतराफ या उसके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे वो इबलीस के भाई कहलाएंगे, और ऐसे लोग अपनी जिंदगी के इम्तिहान में हार जाएंगे। तो आज की बात यहीं तक।
मैं फिर लौटूंगा चंद और बातें लेकर। खुदा हाफिज़।